राजनांदगांव जिला के गुंडरदेह के खोखरी बांध में मिली सिरकटी लाश का मामला सुलझ गया है। जो सिरकटी लाश मिली थी वह पद्मिनी साहू नामक महिला की थी और उसके पति जगदीश साहू ने ही उसकी हत्या की थी। हत्या के बाद विभत्स ढंग से शव को काटा और टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताई गई है। सिरकटी लाश सोमवार सुबह देखी गई थी। धड़ से हाथ और पैर भी अलग थे। चौकी पुलिस जांच में जुटी थी तभी गांव के जगदीश साहू ने थाने पहुंचकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराया। पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी सारे जेवरात लेकर कहीं चली गई है। इस बीच बांध में मिले महिला के शव को अपनी पत्नी होना भी बताया। जगदीश की बातों और हरकतों से पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस टीम ने पहले जगदीश के घर को सर्च किया। जगदीश ने जो गहने पद्मिनी द्वारा ले जाने की बात कही गई थी वह एक पोटी से बरामद की गई। वही खून के कुछ धब्बे भी देखे गए। जिस कटीले तार से पद्मिनी का शव बंधा गया था उसी तार का हिस्सा जगदीश के घर में भी पाया गया है। पूछताछ पर जगदीश ने अपनी पत्नी की हत्या की बात स्वीकारा। जगदीश ने पुलिस को बताया कि 12 जुलाई को बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसका पद्मिनी से विवाद हुआ था। दोपहर करीब 3 बजे उसने विवाद के दौरान पद्मिनी उम्र 32 साल की गला दबाकर हत्या कर दिया। इसके बाद शव को घर के कमरे में छिपा दिया। रात में बच्चे जब सो गए तो आरी और टंगिया से पद्मिनी का सिर काटा और गांव के शमशान में जलती चिता में सिर फेंक दिया। इसके बाद हाथ पैर धड़ से अलग किया। सभी हिस्सों को घर में रखे कटीले तार से बांधकर बांध में डुबा दिया। तार का दूसरा हिस्सा झाड़ियों में कसकर बांध दिया था ताकि शव बाहर ना सके। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।